हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रेश एजू। सो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर और आज का हमारा टॉपिक है इंटरजेक्शंस, जिसके आज हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। स्टूडेंट, मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि ये जो इंग्लिश ग्रामर के एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस है, ये आपको आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होंगे। तो चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं आज इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है डैश आई हियर समवन विस्परिंग माई नेम एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, हुश। नेक्स्ट वन इज डैश दैट फील्स अमेजिंग एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, आ। नेक्स्ट वन इज डैश आई हैव पास्ड द एग्जाम और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, हुर्रे। नेक्स्ट वन इज डैश आई डोंट लाइक दिस वेजिटेबल और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, उग। नेक्स्ट वन इज डैश दैट्स रियली ग्रेट न्यूज एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, वाव। नेक्स्ट वन इज डैश व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ओ। नेक्स्ट वन इज डैश आई स्पिल्ड माई कॉफी ऑल ओवर द टेबल और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, उप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है I can't believe that you are coming here. और इसका सही जवाब क्या है ऑप्शन नंबर 3, ये। नेक्स्ट वन इज डैश जस्ट लुक एट द पपीज और इसका सही जवाब क्या है ऑप्शन नंबर 1, ओ। नेक्स्ट वन इज डैश कैन यू रिपीट द क्वेश्चन और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, हू। नेक्स्ट वन एन इंटरजेक्शन इज डैश and the answer is option number 1, an exclamation which shows thoughts or feelings. Next question is which of the following interjections is not an expression of surprise or wonder aur iska sahi jawab hai option number 3, boo. Next one, you are vegetarian and you are offered a dish of raw meat, what do you think? And the answer is option number 1, ugh. Next one is somebody has just stepped on your toe, which interjection would best fit the situation aur iska sahi jawab hai option number 2, ouch. Next one is you are most likely to hear or use the interjection boo aur iska sahi jawab kya hai option number 2, while listening to a political speech और इसका सही जवाब है डैश मैरी कम हियर आई वॉन्ट टू टॉक टू यू एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, हे। नेक्स्ट वन इज टी ए इज सिनोनिम्स ऑफ डैश और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, थैंक यू। नेक्स्ट वन इज द इंटरजेक्शंस ब्लेमी एंड क्रिकी इम्प्लाई and the answer is option number 2, surprise or wonder. Next question is your children are making a lot of noise and you want to hear the news on the radio, how do you urge silence? And the answer is option number 1, shh. Next one is which of the following interjections is not used when cheering for a team? And the answer is option number 3, yikes. Next question hai डैश द स्पिनेच सूप इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, नेक्स्ट वन इज ए आई स्कोर्ड 660 पॉइंट्स एट द टॉफिल टेस्ट, बी डैश दैट्स अमेजिंग और इसका सही जवाब क्या है ऑप्शन नंबर 1, वाव। नेक्स्ट वन इज विच इज द ऑड मैन आउट विच वर्ड फिट्स इन अ डिफरेंट ग्रुप और यहाँ पे कुछ हमें यहाँ पे जो इंटरजेक्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा ऑड मैन आउट है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3, उप्स। नेक्स्ट वन है पैराफ्रेज द इंटरजेक्शन यूज्ड इन द फॉलोइंग डायलॉग, ए आई हैव फॉरगॉटन टू टेल जॉन अबाउट द पार्टी, बी ई और इसका सही जवाब क्या है ऑप्शन नंबर 1, व्हाट डिड यू से।
नेक्स्ट वन इज द इंटरजेक्शन वो इज अ सिनोनिम ऑफ डैश, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वन एलास. नेक्स्ट वन डैश विच वन शुड आई ईट, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर वन ऊ. नेक्स्ट वन इज डैश दिस टेस्ट्स गुड, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर फोर वाव. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आई ड्रॉप्ड इट, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर वन उप्स. नेक्स्ट वन इज डैश व्हाट डू यू हैव देयर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन हे. नेक्स्ट वन डैश मे आई हैव दैट एप्पल, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर वन ऊ. नेक्स्ट वन इज डैश आई वोंट ईट दिस, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर उग. एंड द नेक्स्ट इज डैश माय बॉस नियरली गॉट मी नैपिंग, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर वन व्यू.